अब हमारे पास एग्जांपल्स हैं. फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू दिस इज एनालिटिक. फंक्शन एनालिटिक दे रखा है और हमें ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. ठीक है, एफ जेड को हम हमेशा क्या लिखते हैं, यू प्लस एटा वी. रियल पार्ट हमारा यू हो गया, इमेजिनरी पार्ट वी हो गया. क्योंकि फंक्शन एनालिटिक है तो यू और वी सीआर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे, ये हमने थ्योरम की थी. फिर सीआर इक्वेशंस लिख दी हमने, फिर हम ये चारों डेरिवेटिव्स निकालेंगे यहां से और उनको इन इक्वेशंस में पुट कर देंगे. ठीक है, तो वहां से हमारे पास सॉल्व करके बिल्कुल आसानी से ए और बी की वैल्यूज आ जाएंगी. फिर हमने जो लास्ट थ्योरम पढ़ी थी उसमें एफ डैश जेड का ये फॉर्मूला पढ़ा था, इसमें हम ये दोनों डेरिवेटिव्स निकाल चुके हैं, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारे पास एफ डैश जेड आ गया. अगला फंक्शन है, अगला एग्जांपल है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू जेड जेड बार इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर. इसकी कंटिन्यूटी तो हम पहले भी दिखा चुके हैं, बट नो वेयर डिफ्रेंशिएबल एक्सेप्ट एट द ओरिजन. लेकिन ये ओरिजन के अलावा कहीं और डिफ्रेंशिएबल नहीं होना चाहिए. नई चीज ये है जो अब हमें शो करके दिखानी है. ठीक है, ओरिजन के अलावा कहीं और डिफ्रेंशिएबल नहीं होना चाहिए. तो हमने ये एफ जेड लिया, जेड हमारा क्या होता है, एक्स प्लस एटा वाई. जेड बार क्या हो गया, एक्स माइनस एटा वाई. इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब इसमें इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं, तो इसको मैंने प्लस एटा जीरो लिख दिया. तो ये हो गया हमारा यू एक्स वाई और वी एक्स वाई आ गया जीरो. यू भी कॉन्टिन्यूस है, वी भी कॉन्टिन्यूस है, देयरफॉर एफ हमारा क्या हो गया, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन. अब हमने चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल के देखे. अब हम देख सकते हैं कि सीआर इक्वेशंस कहां पर सेटिस्फाई हो रही है. करली यू बाय करली एक्स इक्वल आना चाहिए करली वी बाय करली वाई के. तो टू एक्स इज इक्वल टू जीरो मीन्स एक्स इज इक्वल टू जीरो और ये दोनों इक्वल होने चाहिए नेगेटिव के साथ में, तो वहां से आएगा वाई इज इक्वल टू जीरो. तो इसका मतलब सीआर इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ कहां पर सेटिस्फाई हो रही है, जब एक्स भी जीरो हो और वाई भी जीरो हो. इसका मतलब कि फंक्शन ओरिजिन के अलावा कहीं और एनालिटिक नहीं है. ठीक है, फंक्शन इज डिफ्रेंशिएबल, फंक्शन इज नॉट डिफ्रेंशिएबल एक्सेप्ट एट ओरिजन. ओरिजन के अलावा फंक्शन कहीं पर भी डिफ्रेंशिएबल नहीं होगा. ठीक है, अगला एग्जाम्पल है, शो दैट द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू दिस, वेयर जेड की ये वैल्यू है, दिस इज नॉट एनालिटिक एट ओरिजन. हमें दिखाना है ये ओरिजन पे एनालिटिक नहीं होना चाहिए, जबकि ये ओरिजन पे एट दैट पॉइंट मतलब ओरिजन पे सीआर इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है. तो ये हमारा फंक्शन था, इसमें यू ये हो गया और अयोटा वाला तो पार्ट ही नहीं है, तो वी की वैल्यू जीरो हो गई. ऑल्सो एफ की वैल्यू जीरो जीरो पर अगर दोनों ही कोऑर्डिनेट जीरो है एक्स और वाई, तो एफ की वैल्यू जीरो जीरो पे कितनी है, जीरो. और अंडरस्टूड है जब जेड अप्रोच करेगा जीरो को, मतलब कि एक्स प्लस एटा वाई अप्रोच करेगा जीरो को, जीरो मतलब कि जीरो प्लस एटा जीरो, तो एक्स भी जीरो को अप्रोच करेगा वाई भी जीरो को अप्रोच करेगा. नाउ करली यू बाय करली एक्स का ये फॉर्मूला होता है, ये ओरिजिन पे निकाल रहे हैं हम इसकी वैल्यू. करली यू बाय करली एक्स की वैल्यू ओरिजिन पे इसका ये फॉर्मूला है, इसमें यू एक्स जीरो कितना बनेगा, जीरो. ठीक है, और यू जीरो जीरो भी कितना बनेगा यहां से, जीरो. तो ये हो जाएगा जीरो माइनस जीरो, जीरो बाय समथिंग जीरो, उसकी लिमिट भी कितनी आ गई, जीरो. ऐसे ही ये सारे डेरिवेटिव्स भी हमारे क्या आ गए, पार्शियल डेरिवेटिव्स जीरो. हेंस ऑल द फोर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट और वो सीआर इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं ओरिजिन पर. लेकिन अगर हम एफ डैश जीरो निकालते हैं, इसका ये फॉर्मूला है, एफ ऑफ जीरो तो जीरो था. ठीक है, तो ये बच गया एफ जेड बाय जेड, एफ जेड की ये वैल्यू है, जेड की ये वैल्यू है. जेड टेंड्स टू जीरो लिखो या एक्स टेंड्स टू जीरो, वाई टेंड्स टू जीरो, एक ही बात है. सपोज जेड जीरो को अप्रोच कर रहा है अलोंग द पाथ वाई इज इक्वल टू एम एक्स, वाई की वैल्यू एम एक्स इसमें पुट की, तो ये आंसर आ गया. जैसे जैसे हम एम चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे एफ डैश जीरो के अलग अलग आंसर आते जाएंगे. इट मीन्स एफ डैश जीरो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अगर ये एग्जिस्ट करता तो यूनिक होता, लेकिन ये यूनिक नहीं है, ये हर बदलते एम के साथ बदल जाएगा. और अगर एफ डैश जीरो एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब फंक्शन जीरो पर डिफ्रेंशिएबल नहीं है, और डिफ्रेंशिएबल नहीं है तो एनालिटिक भी नहीं होगा. नेक्स्ट एग्जांपल है, शो दैट एफ जेड इज इक्वल टू दिस इज कॉन्टिन्यूस. हमें दिखाना है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, सीआर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए ओरिजिन पर, लेकिन एफ डैश जीरो एग्जिस्ट ना करे. ये फंक्शन लिखा, इसका रियल पार्ट अलग कर दिया,
ठीक है, इमेजिनरी पार्ट अलग कर दिया, रियल पार्ट को यू, इमेजिनरी पार्ट को वी नाम दे दिया। अब जब जेड जीरो नहीं है तो यू और वी रेशनल फंक्शन है एक्स और वाई के, और इसके नॉन जीरो डिटर्मिनेंट्स हैं क्योंकि जेड जीरो नहीं है, ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट्स हमारे जीरो नहीं होंगे। इट फॉलोज दैट यू एंड वी आर कॉन्टिन्यूस वेन जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ऊपर भी कॉन्टिन्यूस है, नीचे भी कॉन्टिन्यूस है, नीचे वाला जीरो नहीं है, इट मीन्स यू एंड वी आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन वेन जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब हम जीरो पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं यू और वी की, ठीक है। इसके लिए हमने एक्स को पुट किया आर कोस थीटा, वाई को पुट किया आर साइन थीटा, उस हिसाब से हमने यू और वी की वैल्यूज निकाल ली। जब जेड अप्रोच करेगा जीरो को तो आर भी अप्रोच करेगा जीरो को, ठीक है, क्योंकि जब जेड जीरो को जाएगा तो एक्स भी जीरो को जाएगा, वाई भी जीरो को जाएगा, और आर की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो अगर ये भी जीरो को जा रहा है, ये भी जीरो को जा रहा है, तो आर भी किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। अगर आर जीरो को जाएगा तो यू भी जीरो को जाएगा, और अगर आर जीरो को जाएगा तो वी भी अप्रोच करेगा जीरो को। अगर यू और वी दोनों ही जीरो को जा रहे हैं तो अंडरस्टूड हैव जेड भी किसको जाएगा, जीरो को, और एफ ऑफ जीरो हमें क्वेश्चन में वैसे ही कितना दे रखा था, जीरो। जब जेड जीरो है तो एफ जेड जीरो है, मतलब कि एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसका मतलब कि लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो एफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, इसका मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट ओरिजन, ठीक है। सो एफ जेड इज कॉन्टिन्यूस एट ओरिजन, इसका मतलब एफ जेड इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जेड, क्योंकि नॉन जीरो पॉइंट्स के लिए कंटिन्यूटी पहले दिखा दी थी, जीरो के लिए अब दिखा दी, ठीक है। अब हम ओरिजन पर चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल के देखते हैं, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव निकालने का ये फॉर्मूला था, यू जीरो जीरो तो जीरो था, और यू एक्स जीरो हम पीछे से देख लेंगे, हमें यू एक्स वाई पता था, उसमें वाई की जगह जीरो पुट करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो ये वन आया, ऐसे ही करली यू बाई करली वाई का ये फॉर्मूला है, यू की वैल्यू हमें पता थी तो वहां से इसका आंसर माइनस वन आया, इसका वन आया, इसका वन आया। तो हम देख सकते हैं कि करली यू बाई करली एक्स इक्वल है करली वी बाई करली वाई के, एंड करली यू बाई करली वाई इक्वल है माइनस करली वी बाई करली एक्स के, इसका मतलब सी आर इक्वेशन आर सेटिस्फाइड। अब हम निकालते हैं एफ डैश जीरो, इसका ये फॉर्मूला होता है, एफ ऑफ जीरो क्वेश्चन में जीरो दे रखा तो ये बच गया लिमिट एफ जेड बाई जेड, एफ जेड की वैल्यू पुट कर दी, जेड की वैल्यू पुट कर दी। अब हम पहले मान रहे हैं कि जेड अप्रोच कर रहा है जीरो को अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस है इट मीन्स वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो सारे में हमने वाई की वैल्यू जीरो पुट कर दी तो हमारे पास इतना आ गया। अगली बार हमने माना कि मान लो जेड अप्रोच कर रहा है जीरो को अलोंग वाई इज इक्वल टू एक्स, तो सारे में हमने वाई की जगह यहाँ एक्स पुट कर दिया तो इतना आया। इसका मतलब एक बार एफ डैश जीरो इतना आ रहा है, एक बार इतना आ रहा है, इसका मतलब एफ डैश जीरो की वैल्यू यूनिक नहीं आ रही, इसका मतलब फंक्शन ओरिजिन पर डिफ्रेंशिएबल नहीं है, और डिफरेंशिएबल नहीं है तो एनालिटिक भी नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शो दैट द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर माइनस जेड रेस टू द पावर माइनस फोर, वेयर जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो। ये फंक्शन है हमारा, हमें दिखाना है ये जेड इज इक्वल टू जीरो पर एनालिटिक नहीं होना चाहिए, जबकि ये सी आर इक्वेशन को ओरिजिन पे सेटिस्फाई करेगा। ये हमने f लिखा, z की वैल्यू पुट करी x प्लस योटा वाई, माइनस चार पावर है तो उसको अपॉन में लिख दिया, इसको हमने रैशनलाइज किया तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। फिर हमने x को r cos थीटा और y को r sin थीटा पुट किया तो वहां से एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र हमारा हो गया r स्क्र, ये हो गया r स्क्र उसकी पावर चार, तो हो गया r की पावर एट, ठीक है। ऊपर हमने x माइनस योटा वाई की चार पावर को खोल दिया, इसमें से रियल पार्ट इकट्ठा कर लिया, इमेजिनरी पार्ट इकट्ठा कर लिया। इसके बाद हमने e की पावर दिस को तो a नाम दे दिया, और ये जो आयोटा के साथ जो भी लिखा हुआ उसको b नाम दे दिया, तो ये हो गया a और ये हो गया e की पावर आयोटा b, ठीक है। a ऐसे कैसा, e की आयोटा b को खोल दिया, cos b प्लस आयोटा sin b, a cos b को u नाम दे दिया और a sin b को हमने v नाम दे दिया, ठीक है। वैसे भी हमें पता है fz क्या होता था, u प्लस आयोटा v, तो बता दिया u किसको कहा है, v किसको कहा है। इसके बाद अब हम ओरिजिन पे करली यू बाई करली एक्स निकाल रहे हैं, इसका हमने फॉर्मूला पुट किया, यू जीरो जीरो तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, यहां से क्योंकि एफ ऑफ जीरो जीरो दे रखा है, ठीक है। तो यहां से यू जीरो जीरो भी जीरो है और वी जीरो जीरो भी जीरो है, तो ये वैल्यू हमने यहां पुट की, ठीक है। फिर यू एक्स जीरो यहां से निकाल लेंगे, भाई यू हम इसको कह रहे हैं, ठीक है, तो उसमें y कोऑर्डिनेट की जगह जीरो पुट करके ये चीज आ जाएगी, डिवाइडेड बाय दिस, इसको माइनस की पावर है नीचे की तरफ ले आए, e की पावर x की एक्सपेंशन खोल दी, ठीक है, x को इससे मल्टीप्लाई कर दिया
और फिर इसमें जब हम x को 0 पुट करेंगे तो ये हो गया 1 बाय 0 इन्फिनिटी एंड 1 बाय इन्फिनिटी 0। इसी तरह से करली u बाय करली y 0 आएगा और ये दोनों भी 0 आएंगे। तो चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स ओरिजिन पे 0 आ रहे हैं, इसका मतलब सीआर इक्वेशंस को वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हम देखते हैं कि z इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन डेरिवेबल है या नहीं है। f डैश 0 का फॉर्मूला लिखा, माइनस f ऑफ 0 होता था वो 0 ही दे रखा था क्वेश्चन में, ठीक है। fz की वैल्यू पुट की, z हमने लिया r e की पावर iota थीटा। z हमारा क्या होता है, x प्लस iota y, ये हम ऑलरेडी बता चुके थे। x को हमने पुट किया था r cos थीटा और y को हमने पुट किया था r sin थीटा, ठीक है। r इसमें से कॉमन आ जाता है, ये बच गया cos थीटा प्लस iota sin थीटा, मतलब कि e की पावर iota थीटा। और अगर z 0 को जाता है तो r भी 0 को जाता है, ठीक है। f डैश 0 में हमने जहां जहां z आया उसकी जगह पुट कर दिया r e की पावर iota थीटा, यहां पर भी और यहां पर भी, ठीक। इसको हमने लिखा e की पावर माइनस r की पावर माइनस 4 e की पावर माइनस 4 iota थीटा, ये सारा पावर में चल रहा है, ठीक है। माइनस 4 पावर दोनों पे अलग अलग लगा दी। फिर हम पहली बार ले रहे हैं कि मान लो r अप्रोच कर रहा है 0 को अलोंग द पाथ दिस, सारे में थीटा की जगह पाई बाई 2 लिख के इसको सॉल्व किया तो हमारा 0 आंसर आया। इसकी ये हमारे पास आया, ये 0 है तो 1 बाई 0 इन्फिनिटी आंसर आया, ठीक है। r जब 0 को जा रहा है अलोंग दिस पाथ तो थीटा की जगह पाई बाई 2 पुट करने पर, ये सॉल्व करने पर इन्फिनिटी आंसर आ रहा है। f डैश 0 इन्फिनिटी को जा रहा है, इसका मतलब फंक्शन ओरिजिन पर डिफ्रेंशिएबल नहीं है, और अगर ओरिजिन पर डिफ्रेंशिएबल नहीं है तो ओरिजिन पर एनालिटिक भी नहीं होगा।